ऐसी आत्मनिर्भरता होगी जहां पे भूख आप जिंदा रख रहे हैं। 4 घंटे की मोहलत दे के पूरे देश को लॉकडाउन में डाल दिया, इस देश का जनतंत्र भी लॉकडाउन में डाल दिया, और इसका बहुत बुरा असर मजदूरों पे पड़ा है। जिंदगी एकदम से रुक गई है, रोजगार नहीं है, घर में महिलाओं को खाना खिलाने के लिए भी बहुत परेशानी हो रही है, राशन नहीं पहुंच रहा है। महाराष्ट्र का आंकड़ा ये कहता है कि सिर्फ 43% लोगों के पास अनाज पहुंचा है, मुफ्त का राशन नहीं पहुंच रहा है। रोज हर दिन हम देख रहे हैं आदिवासी पाड़ा हो या शहरों की गरीबों की बस्तियां हो, वहां पे भूख का सामना लोग कर रहे हैं। भूख ये सरकार नहीं मिटाना चाहती क्योंकि वो डर फैलाना चाहती, क्योंकि वो भ्रम फैलाना चाहती। एक तरफ आत्मनिर्भरता की घोषणा है लेकिन भूख को भी जिंदा रखना चाहती। कैसी आत्मनिर्भरता होगी जहाँ पे भूख आप जिंदा रख रहे हो? तो सरकार से ये सवाल पूछना होगा रास्ते पर उतर कर भी और अपनी अपनी जगह से भी, कि हम अगर नहीं उठे अब तो इस देश का संविधान, इस देश की संविधानिक माहौल और समता की तरफ बढ़ने का हमारा जो रास्ता है वही बंद कर दिया जाएगा। तो भूख से लड़ना होगा, भ्रम से लड़ना होगा, डर से लड़ना होगा और निडरता से दमदार सवाल उठाना होगा कि हम उठेंगे, हम देखेंगे और हम लड़ेंगे भूख से भी और अपनी ज़िंदगी को और संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए। ये लड़ाई जारी है और लगातार हम चलाते रहेंगे। मजदूर, किसान जो संगठित मजदूर है और आम जनता जो संविधान पे भरोसा रखती है, उन सबको साथ आना होगा और लड़ना होगा इस पूरी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, संविधान विरोधी शक्तियों के खिलाफ।